नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। एमपी का सीएम कौन होगा? इस सवाल के जवाब में कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो ना तो सीएम की रेस में थे, ना हैं और ना रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता किसी पद के लिए नहीं बल्कि बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, किसी पद के लिए नहीं। और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को जवाब दिया है। गिरिराज ने कहा है कि एमपी में कांग्रेस की हार सनातन को अपमान करने की सजा जनता ने दी है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। जब दिग्विजय बाबू सफल बनाया उसके लिए बहुत बहुत और अन्य नेताओं ने दिल्ली की धरती आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर बहुत शुक्रिया दिया और इस आंदोलन को इसी तरीके से अगर ये हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, अगर तेलंगाना में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो कुर्ता फाड़ ईवीएम पर भी वो चिंता करें। एक चीज ध्यान रखें, उनको मिला है सजा, सनातन को खत्म करने की सजा मिला है। जो सनातन को खत्म करने की कोशिश करेगा वो भारत का सनातनी उसे खत्म कर देगा, वही उनका। बीएसपी सांसद दानिश अली ने मांग की है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। दानिश ने कहा वो ईवीएम के खिलाफ संसद में भी कई बार आवाज उठा चुके हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ है, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकिशन आडवाणी जी ने किया था। बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा में सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने जो है किताब लिखी है इस पे बाकायदे। और जो कुछ आंकड़े सामने आए हैं कि जो पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसमें जो है पार्टी जीत रही है लेकिन ईवीएम में पार्टी जो है वहां हार रही है, तो ये तो जग जाए यार। ये प्राणी में हमने तो लोकसभा के अंदर भी सवाल को उठाया है कई बार एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और हम जिस दिन जीत करके आए थे सर्टिफिकेट ले रहे थे उस दिन भी हमने कहा हम भले ही जीत के ईवीएम के उससे जा रहे हैं लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि इन नतीजों से आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। ये नतीजे बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था, लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं जनता परिवर्तन चाहती है। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में हैं उनसे जनता नाराज़ है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। इंडिया अलायंस की बैठक रद्द होने पर इसके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा विपक्षी दल अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं इसलिए गठबंधन बनाया है। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हमें जनता का विश्वास जीतना होगा। लोकसभा चुनाव में हम सब अलायंस एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपना कमिटमेंट जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष या एक दूसरा अल्टरनेटिव जो देश के सामने रखना चाहिए वो हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की बात हो, प्रजातंत्र की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, उन सबकी हमें नीति बनानी पड़ेगी और किस तरीके से जनता का विश्वास जीतना है और 2024 में सरकार बनानी है वो काम करना पड़ेगा।
इंडिया अलायंस की बैठक रद्द होने पर AIUDF सांसद बदरुद्दीन नजमल ने कहा विपक्षी एकता की मुहिम फेल हो गई। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि सभी को एक साथ लेकर चले, अगर बैठक में कांग्रेस उन्हें बुलाएगी तो वो शामिल होंगे। क्या आपको लगता है जो विपक्षी एकता की मुहिम का एक प्रयास हुआ था वह फेल हो गया? फेल हो गया 100%। तो क्या जब इंडिया अलायंस की अगली मीटिंग होगी और आपको बुलाया जाएगा तो जरूर जाएंगे, हम चाहते हैं, लेकिन वो भी दिल खोल के आगे बढ़े ना। वो तो दिल खोल के आगे, किसी इतने बड़े बड़े नेताओं को इग्नोर कर दिया तो आज क्या रहेगा मुल्क में, बीमार नहीं करना चाहते खुद। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सबको लेके आगे बढ़ो, सबका विकास, मोदी जी बोल रहे हैं आप लोग सबका विकास, सबका साथ करो, सबका सम्मान करो, क्यों नहीं करते कांग्रेस वाले? बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि 2024 के चुनावी चौपाल पर भी ये चारों खाने चित होंगे, 424 का झटका बुरी तरीके से लगेगा। ये जो फिर गठबंधन की बात आ रही है, उसकी मीटिंग की बात हो रही है, कैंसिल हो रही है, हो रही है, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि 24 के चुनावी चौपाल पर भी ये चारों खाने चित होंगे और 24 के चुनावी चौपाल पे भी इनको 424 का झटका, बुरी तरह से झटका लगने वाला है। और ये फील्ड के फिसड्डी भी फिक्सिंग की कबड्डी में सफल नहीं हो पाएंगे बल्कि फेल होंगे, टाइम टाइम फिश होंगे। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बंपर जीत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियां, मनी पावर, चुनाव आयोग चुनाव जीतते हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो एक भी चुनाव नहीं जीतेगी। देखिए, ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है, ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है, वो जीत रहा है। बीजेपी अगर अकेले जीतने मैदान में आएगी तो वो तो एक स्टेट भी नहीं जीत सकती है।